ये बहुत कॉमनली हमने देखा है कि कोई भी अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, या तो रोड ट्रैफिक में किसी के साथ या घरों में, बॉडी के कुछ पार्ट्स कट जाते हैं, जैसे उंगलियाँ, हाथ, पैर। बट आजकल ये पॉसिबल हो पाया है कि हम इसको वापस बॉडी में जोड़ पाए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो लोग सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, जो पार्ट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, किसी छोटे सेंटर में जाएंगे जहाँ फैसिलिटीज नहीं है या डॉक्टर जो नहीं कर सकते, तो वो यूजली पेशेंट्स को सब लोग मना ही कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा या अभी ख़राब है। अगर आप सही समय पर सही जगह पहुंच पाए तो ये पॉसिबल है और इसको वापस लगाया जा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, हर जगह नहीं होता है, तो इसलिए टीम की ज़रूरत है और सही जगह पे सही समय पहुंचने की जरूरत है। जो भी अंग कटा है उसके हिसाब से हर अंग का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। बट मोटा मोटा बात यह है कि फर्स्ट 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे में अगर सर्जरी स्टार्ट हो जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम उसको लगा पाएंगे दोबारा। वो पार्ट प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता। जैसे 12 घंटे और उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उस सर्जरी की सक्सेस कम हो जाती है, क्योंकि पार्ट में खराबी आना शुरू होता है। और उसको लाने के लिए जो तरीका है, एक पहले गीले कॉटन के कपड़े में या कोई आपको गॉस पीस मिल जाए या दुपट्टा रुमाल, उसमें उसको लपेट लिया जाए ताकि वो गीला है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल सूखे भी ना। फिर उसको जो आप हमने पार्ट लिया है कॉटन में कपड़े में लपेट के, उसको एक हम पैकेट में रखेंगे। पैकेट को फिर हम आइस में रखेंगे, डायरेक्टली आइस के ऊपर वो कटे हुए पार्ट को नहीं रखेंगे और उसको सूखा भी नहीं रखेंगे। ये सही तरीका है। इस तरीके से लाया जाए तो पार्ट ज़्यादा देर तक सेफ रहता है, उसको लगाना पॉसिबल हो पाता है। ये ऐसी NGO कई काम कर रही हैं, अगर हम साउथ की बात करें, खासकर जैसे बर्न हैंड है, किसी का जला हुआ हाथ है, ये जैसे किसी का अंग कट गया, ये किस में होगा? आम तौर पर फैक्ट्री वर्कर्स में होगा और हर किसी के लिए नहीं। आम बोल देते हैं कि 1-1.5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है किसी आम आदमी के लिए। अगर NGOs आते हैं तो हम भी आगे एफर्ट मार के और रेट कम करने की कोशिश कर सकते हैं, पर क्योंकि देखो एक प्राइवेट सेटअप में आप बोलने की फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम खुद चाहते हैं। और उसके अलावा भी हमारे 40 हॉस्पिटल के जैसे स्वराज हो गया और इंडस्ट्रीज हो गया, उनके साथ लिंक्स हैं जिसमें वो कुछ इंश्योरेंसेस चलाते हैं जिससे कि रेट कम से कम और कम हो जाता है, एंड ऐसे पेशेंट अगर टाइमली हमारे पास पहुंचते हैं तो और सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। इसको बताया, इलाज हर चीज़ का है। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। अगर किसी का हाथ टेढ़ा है, हम ये नहीं कहते हम नॉर्मल कर देंगे कि जैसा दूसरा दिखता है वैसा हो जाएगा, पर इस लायक बना देंगे कि पहला वो देखने लायक हो, दूसरा वो और बेहतर काम करने लायक हो। हम किसी की नई उंगली नहीं उगा सकते, पर हाँ अगर किसी का अंगूठा नहीं है तो हम उसकी उंगली का अंगूठा ज़रूर बना सकते हैं। वैसे कई सारी चीज़ें ऑपरेशंस हैं जो कि लोगों को ये विश्वास होगा कि इसका इलाज नहीं है, जैसे आज की बात। और ये ऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली, ये अगर हम रीइम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, 1970 से होते आ रही है विदेशों में, तो 70 साल से ऊपर हो गए, पर हमारे देश में आज भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो उन्हें लगता है हो ही नहीं सकता। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा कारण करने का ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि आप टाइम पर आ जाते, आप अब आ जाते, जले हुए हाथ लोग ऐसे ही लेके फिर रहे हैं जो कि ठीक हो सकते हैं।